कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भीड़ काफी कम है दोनों ही तरफ सीमा के दर्शकों की जो यहां पर आते हैं इसको देखने के लिए। श्वेता, कई बार ये विवाद भी हुआ कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और इससे आखिर हासिल क्या होता है, इसमें द्वेष और बढ़ता है दोनों देशों के बीच, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इतना लोकप्रिय है ये कि न केवल बाहर से आने वाले पर्यटक बल्कि जो अमृतसर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में वीकेंड्स पर भी पहुंचते हैं इसको देखने के लिए। और कई बार देखा गया कि एक स्ट्रेस रिलीज मैकेनिज्म के रूप में भी इसने काफी काम किया है। श्वेता, जो लोग हैं उनकी कड़ियां जुड़नी चाहिए हमारे सैनिकों से, और कौन सा मौका होता है कि आप अपने देश के रक्षकों को आमने सामने देख सकें, इस तरह का कोई आयोजन देख सकें, इस तरह की एक ऐतिहासिक सीमा देख सकें। और इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि हमारे हमारी जो पीढ़ियां हैं वो यहां पर पहुंच पाए, अपने सम्मान देने के लिए यहां पर पहुंच पाए, उनके और सैनिकों के बीच का जो रिश्ता है वो और प्रगाढ़ होता है इसके साथ, वो देख पाए कि किस तरह की परिस्थितियों में तैनात रहते हैं। हालांकि हम मानेंगे कि ये एक बिल्कुल पक्की निर्माण वाली सीमा है और इस तरह की परिस्थितियां आमतौर पर सीमाओं पर नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ही देरी में आपको हमारे सैनिकों की तमाम क्षमताओं से रूबरू करती हुई ये एक सीमा है। आप पाकिस्तान के रेंजर्स को सामने देख सकते हैं, शलवार कमीज जैसी उनका यूनिफॉर्म होता है, भारतीय जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को देखिए, उनकी ये जो कलगी है जो पगड़ी के साथ ऊपर चमकती है वो भी उनके कद को थोड़ा सा और बढ़ाती है। और यहाँ पर हर एक बात एक एक इंच से जीत हासिल की जाती है, सांसों की एक एक पल से जीत हासिल की जाती है, और लोगों के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो अपने देश के सैनिकों के लिए देश के सुरक्षा बलों के सम्मान में यहां पर पहुंचते हैं। और सब लोगों के लिए बहुत एक ऐसा पल होता है, एक ऐसा अविस्मरणीय पल होता है जिसे वो अपने साथ लेकर लौटते हैं। पर्यटन में अगर भारतीयता डाला जाए तो क्यों नहीं, यहां पर बहुत ऊंचे तिरंगे को भी लगाया गया है, हालांकि उसमें हवाओं से भी कई दिक्कतें वहां पर आई थी जिसकी वजह से उसकी हाइट को बार बार कुछ बदलना पड़ा, लेकिन आज की तारीख में भी जिस तरह का निर्माण भारत की सीमा के भीतर है, जिस तरह का वो बड़ा सा स्टेडियम है, पाकिस्तान हालांकि पीछे पीछे चलकर उसका अनुकरण करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता है, इसमें योगदान आप सबका भी रहता है, इसमें योगदान हर एक हिंदुस्तानी का रहता है जो इस आयोजन का हिस्सा बनता है, ये सोचकर कि ये भारतीयता का जश्न है, ये भारतीयता का उत्सव है। देखिए, जो उत्साह दर्शक दीर्घा में नजर आता है उससे बीएसएफ के जवानों का उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। कई बार हमने बीएसएफ के इन जवानों से बात भी की है और वो ये कहते हैं कि जब भारत माता की जय के नारे वहां पर लगते हैं तो अपने आप कदम और तेजी से वहां सूचना उनके कदम उठते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। पीके मिश्रा जी जो कि डीजी बीएसएफ है पूर्व, सर ये साल दर साल कितने बार भी देख लें वैसे ही रोंगटे खड़े होते हैं, दिल से वैसे ही भारत माता के जयकारे गूंजते हैं। श्वेता, ये तो आप कभी भी आप साल छोड़िए महीना छोड़िए, आपको अगर हर एक दिन जाएंगे आपको यह नया नजर आएगा। ये तो मैंने इसका नाम दिया है अभिनंदन गेट। अच्छा। ये हमारे अभिनंदन गेट है और अभिनंदन करते हैं और हम अभिनंदन को अभिनंदन किए थे इसी गेट में, अब इसलिए इसका गौरव कुछ और है। और इसमें आप देखेंगे हमारा ये जो महिला के बीरा हैं ये किसी से कम नहीं है। आज उनके परेड में, दिल्ली के परेड में आप देखे होंगे जय भवानी, आप कितनी अच्छे से उन्होंने मोटरसाइकिल डिस्प्ले किए थे, उनसे ये भी महिला कोई कम नहीं है जो कि पाकिस्तान रेंजर के सामने खड़े होकर के ड्रिल करते हैं और उनका सीना तान के खड़े रहते हैं। ये हमारे बीरा हैं और ये किसी से कम। ये बताइए
किस तरीके से इस समारोह में परिवर्तन होते हैं, कैसे नई नई चीजें इसमें जुड़ती हैं, क्या ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है कि हम सोचते रहे क्या नया, क्या अलग, क्या बेहतर? बिल्कुल, आप देखिए, मैंने इसको तो अभी 20 साल से देखते रहता हूँ, और इसमें पहले का जो अकोमोडेशन वहां पर था बैठने का, अब वहां तकरीबन 5,000 या 7,000 लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा नहीं बैठते थे। आजकल जो है, जो वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ है, कम से कम वहां पर जो है 50,000 लोगों का बैठने का अरेंजमेंट किया गया है, और उसके साथ वो है डायरेक्ट टेलीकास्ट सब जगह होता रहता है, और वहां पर जो है भारत का हर एक जगह, हर एक स्टेट का जो कला है वो वहां दर्शाया जाता है, और उसमें शामिल हुआ BSF का जो महिला दस्ते जो है, वो जो परेड है वो उनको देखने लायक है। और अपोजिट साइड आप देखेंगे पाकिस्तान रेंजर में, वो नाम के लिए एक महिला खड़ा करके रखे हैं क्योंकि उनको शर्म के मारे डूब गया है। और आजकल जितने हमारे भारत के लोग जो जाते हैं जम्मू वैष्णो माता दर्शन करने के लिए, उससे ज्यादा बड़ा दर्शनीय स्थान तो वाघा है। आपने सही कहा, और ये भारत माँ का दर्शन है। बिल्कुल, भारत माँ का दर्शन है यहाँ पर हो रहा है, और ये जज्बा देखिए, ये जोश देखिए, भारत माता की जय के जो नारे यहाँ पर लग रहे हैं। सूद साहब, इस पूरी प्रक्रिया को देखिए कि कितने लोग यहाँ बैठ सकते हैं, कितना बड़ा स्टेडियम यहाँ बन गया है। आसपास के गांवों और शहरों के लिए पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है।